चिमूर शहर के प्रसिद्ध तथा जागृत घोड़ा यात्रा नवरात्र महोत्सव की शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है। वहीं 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसका समापन होगा। इस यात्रा के संबंध में श्री हरि बालाजी देवस्थान संस्थान की ओर से क्या जानकारी दी गई, आइए देखते हैं इस खबर में। भारत देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण माने जाने वाले चिमूर शहर में श्री हरि बालाजी महाराज की प्रसिद्ध घोड़ा यात्रा नवरात्र महोत्सव की शुरुआत 26 जनवरी से हो गई और इस घोड़ा यात्रा महोत्सव का समापन 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। 26 जनवरी से 18 फरवरी तक चलने वाले इस घोड़ा यात्रा महोत्सव की रूपरेखा श्री हरि बालाजी देवस्थान की ओर से भक्तगणों के लिए जारी की गई, जिसमें 30 जनवरी को गरुड़ वाहन, 1 फरवरी को मारुति वाहन, 3 फरवरी को श्री हरि बालाजी महाराज की घोड़ा यात्रा तथा रथ यात्रा, 6 फरवरी को गोपाल काला और 18 फरवरी को समापन होगा। नवरात्र महोत्सव के दरमियान 26 जनवरी से 5 फरवरी तक रोज 8:30 बजे से 10:30 बजे तक हरि भक्त पारायण विनोद बुआ खुंड महाराज नारदीय प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। श्री हरि बालाजी देवस्थान कमेटी के अध्यक्ष नीलम राचलवार, विश्वस्त एडवोकेट चंद्रकांत भोपे, डॉक्टर दीपक यवले तथा डॉक्टर मंगेश भलमे द्वारा भक्तगणों से अनुरोध किया गया है कि वह बड़ी संख्या में इस महोत्सव में शामिल होकर श्री हरि बालाजी महाराज के दर्शन करें। इस मौके पर देवस्थान के विश्वस्त एडवोकेट चंद्रकांत भोपे द्वारा इस महोत्सव के आयोजन के संबंध में क्या जानकारी दी गई, आप स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। 396 वर्षापूर्वी ही मूर्ति इथे सापडली, पण तिची आज तक आहे पूजा अर्चा आणि हे चालू आहे। 251 वर्षापूर्वी हे मंदिर बांधण्यात आलेले आहे आणि या घोडा यात्रेला यावर्षी 250वं वर्ष होत आहे। आज वसंत पंचमीला हा जो उत्सव आहे तो देवाजी पंत चोरघडेंनी 1773 मध्ये चालू केला होता आणि तो पहिल्या दिवशी मंडप पूजन व पूजा होते, पूजा करून हा कार्यक्रम सुरू होतो। त्यानंतर रथसप्तमीला घोडा आपला रथ बाहेर निघतो, रथानंतर नवमीला गरुड वाहन, त्या एकादशीला हनुमान वाहन आणि त्यानंतर त्रयोदशीला घोडा रथयात्रा होते आणि प्रतिपदेला याची सांगता होते आणि ही यात्रा महाशिवरात्रीपर्यंत चालू असते। या यात्रेला 251 वर्षाचा इतिहास सर्व यात्री भाविकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी या 250व्या वर्षात श्रीचे दर्शन व आशीर्वाद घेण्यास जरूर यावे, ही विनंती। चिमूर से हमारे संवाददाता बालू सातपुते की रिपोर्ट।